हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हर बार की तरह एक नया वीडियो है। प्लीज़ अमित मराइज ऑटो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों, एक बुलेट की जानकारी से भरपूर वीडियो आई है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि बुलेट के अंदर, टंकी के अंदर जो इतना जंग लग जाता है, ज़्यादा टाइम खड़े रहने से लग जाता है, या अंदर ज़्यादा टाइम खड़ी रहती है बाइक आपके, तभी लगता है ज़्यादातर। देखिए किस तरह रस्ट हो जाता है सारा, कितनी मोटी मोटी परत जमेंगी जंग की जब अपनी बाइक नहीं चलाई है। तो इसमें कभी कभी ट्यूटोरियल हल्का सा डालना चाहिए, वो भी छोटा पाउच, ताकि इसमें रश ना लगे पेट्रोल के साथ। हर बार नहीं आपको डलवाना चाहिए, कभी कभी डलवा देना चाहिए ट्यूटोरियल का एक पाउच। तो मैंने भी यही ही जस्ट जाके अंदर कार्बोरेटर को ख़राब करता है और कार्बोरेटर गाड़ी को बार बार ओवर करता है। तो दोस्तों, इस जंग को निकालने का प्रोसीजर पुराने टाइम से चला आ रहा है, जो है वो बजरी डाल के क्रेशर की और पानी डाल के इसको साफ़ करना पड़ता है। पर दोस्तों, आज के टाइम में इतना टाइम किसके पास है? तो दोस्तों, इसके लिए एक जो प्रोसीजर है वो सैंड ब्लास्टिंग है, जिसका सही उपाय है वो सैंड ब्लास्टिंग है। तो सैंड ब्लास्टिंग करके इसको हम दूर कर सकते हैं। तो मैं जंग दिखाना चाहूँगा कितना ज़्यादा इसमें लगा हुआ है, और इसको सैंड ब्लास्टिंग के बाद दिखाऊँगा कि किस तरह इसका जंग साफ़ हो जाएगा। तो देख दोस्तों, इस जंग को निकालने के लिए देखिए, पूरे गले में और अंदर तक इसका सारा जंग लगा पड़ा है। अंदर हम कुछ कहते हैं कि इसमें WD-40 वगैरह डाल दो, कुछ डाल दो, पर वो हल्के जंग में दोस्तों काम करेगा। ज़्यादा जंग के लिए हमें सैंड ब्लास्टिंग कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसको सैंड ब्लास्टिंग के लिए जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा इसका प्रोसीजर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो, आखिर तक वीडियो बन रही है, इसमें आपको पूरा प्रोसीजर पता लगेगा कि सैंड ब्लास्टिंग होती क्या है और इसे किस तरह टैंक साफ किया। तो देखिए दोस्तों, ये एंडराइजिंग का काम हो रहा है। तो देखिए एंडराइजिंग में क्या होता है, ये एमरी और रेत, तो दोनों को सैंड ब्लास्टिंग मशीन है, ये मशीन है, भर के इसे टैंक में मारेंगे, प्रेशर के साथ मारेंगे। और हमारे भाई जी मानेंगे आप, तो दोस्तों देखिए, सैंड ब्लास्टिंग के बाद इसका अभी कितनी साफ़ हुई है। सैंड ब्लास्टिंग के बाद ये कितनी साफ़ हुई है आपको दिखा सकता हूँ मैं। देखिए सैंड ब्लास्टिंग के बाद ये कितनी साफ़ हो गई है, इसका मोटा मोटा लगभग सारा जंग। निकल गया लगभग, कहने की बात है इसका सारा जंग लगभग साफ हो गया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, नए नए वीडियो के लिए बने रहिए। ये देखिए किस तरह इसका जंग मैंने हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया। तो सैंड ब्लास्टिंग के बाद की वीडियो आपको ये रही।